तो हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी ने दिवाली जवानों के साथ मनाई। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने उत्तरकाशी के हर्षिल इलाके में देश की सुरक्षा में तैनात सेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम करीब 1.5 घंटे तक जवानों के साथ रहे। पीएम ने फिर जवानों के साथ दिवाली मनाई। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने भारत चीन सीमा पर स्थित हर्षिल सेना कैंप पहुंचे। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सेना की बेस पर सेना प्रमुख और आईटीबीपी के डीजी से मुलाकात करने के बाद जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने महार रेजिमेंट के जवानों को मिठाई खिलाई, उसके बाद फोटो खिंचवाई। इससे पहले पीएम मोदी ने हेलीपैड के निकट गंगा किनारे छोटे शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, गंगा को प्रणाम किया, उसके बाद महार रेजिमेंट कैंप पहुंचे। आर्मी के जवानों ने पीएम का भव्य स्वागत किया। पीएम ने कहा कि उनके साथ दिवाली मनाना उनका सौभाग्य है। दिवाली मनाना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अक्सर कई वर्ष जब मुख्यमंत्री था तो गुजरात की सीमाओं पर चला जाता था, कभी बीएसएफ के जवानों के साथ, कभी फौजियों के साथ मेरा दिवाली का दिन बनता। प्रधानमंत्री बनने के बाद हर बार मैं चला तत्पड़ता हूं, फौजियों के बीच जाता हूं, दिवाली के आनंद में उनके साथ शरीफ होना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इस मौके पर पीएम ने देश की सुरक्षा में लगे जवानों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि बर्फ की चोटियों पर सुरक्षा में लगे जवान राष्ट्र की मजबूती बढ़ा रहे हैं और 125 करोड़ देशवासियों के सपने और भविष्य को संवार रहे हैं। फौजियों का व्यक्ति रूप से हमारे फौजी अगर पीसकीपिंग फोर्स में हमारे लोग जाते हैं, पूरे दुनिया में नाम कमा गया, उनके सामर्थ्य के कारण, उनके संस्कार के कारण आज पूरे विश्व में पीस कीपिंग फोर्स में हमारे यूनिफॉर्म फोर्स के जो भी लोग जाते हैं पूरे विश्व में उसकी तारीफ होती है, अधिक संख्या में जाते हैं। और उसका मूल कारण हमारी डिसिप्लिन है, हमारी साधना है, हमारे संस्कार, भारतीय परंपरा के मूल्य जो हमारा फौजी जहां भी जाता है उसको प्रकट करता है। यूनिफॉर्म वाला व्यक्ति जहां जाता है उसको प्रकट करता है और देश उनके कारण इतना गर्व अनुभव होता। विश्व के जिन दोस्त के लोगों से मेरा मिला होता है, जिनका किस किसी कोर्ट से संबंध आया है, वो पहला काम आपकी तारीफ करते हैं और मैं गर्व से समा नहीं रहता हूं, कितना मुझे आनंद होता। उसी प्रकार से सामर्थ्यवान फोर्स के साथ आधुनिक संस्था आपने देखा होगा धनतेरस के दिन दिवाली का पर्व जब प्रारंभ होता है 2 दिन पूर्व एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा एचीवमेंट हमारे देश के न्यूक्लियर के क्षेत्र में हमने जल बल नभ तीनों में महारत था। अब दुनिया के 4, 5, 6 देशों में आज भारत ने भी अपना नाम अंकित कर। इस मौके पर पीएम ने सेना के अधिकारियों के साथ चीन सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी ली। वहीं पीएम को मिलने के लिए हर्षित और बगोरी के ग्रामीण भी पहुंचे और पीएम को भेड़ की ऊन से बनी शॉल भेंट की। पीएम ने कहा कि वो अपनी समस्या को लेकर उनसे मिलने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। पीएम जवानों की हौसला अफजाई के लिए हर साल अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं, जहां जवान अपने आप को सीधे सरकार के साथ जोड़ पाते हैं। पीएम को जवानों की समस्याओं को जानने का मौका भी मिलता है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। जवानों के साथ दिवाली मनाने के बाद पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे और पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी साथ रहे। जवानों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी केदार धाम तीसरी बार पहुंचे हैं। केदारनाथ ऐसा पहला धाम है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार पहुंच चुके हैं। हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के दौरान उन्होंने रास्ते में आपदा के बाद हुए निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। इसके बाद वो केदारनाथ मंदिर में पूजा के लिए गए। केदारधाम में पहली बार प्रधानमंत्री ने 2 घंटे का वक्त बिताया। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को बारीकी से जाना।
वहां लगी फोटो गैलरी में प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने एक एक करके जानकारी दी और ये बताया कि कैसे आपदा के बाद से यहां अब तक का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान जब प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्माण के कार्यों के संतुष्ट होने की बात पूछी गई तो वो बिना कुछ जवाब दिए नीचे उतर गए। दो घंटे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ पुनर्निर्माण के कामों को जाना। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से बात न कर सिर्फ अधिकारियों से ही सभी जानकारी ली जो केदारपुरी के निर्माण में लगे हुए थे। निरीक्षण के दौरान कई बार वो एटीपी वाहन पर भी बैठे। तीर्थ पुरोहितों के लिए बनाए गए मॉडल हाउस का उन्होंने करीब 7 मिनट तक निरीक्षण किया। साथ ही मंदाकिनी नदी में बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को भी देखा। अपने केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद से निर्माण कार्य में तेजी आएगी। नेशनल डेस्क टोटल न्यूज। राम मंदिर को लेकर हो रही राजनीति के बीच दीपावली के दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहकर नए विवाद को जन्म दे डाला है कि राम मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए एक दो जगहों को चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम की एक दर्शनीय मूर्ति स्थापित हो इसके लिए चर्चा की। सीएम ने यह भी कहा है कि उन्होंने मूर्ति की स्थापना करने के लिए एक दो जगह भी देखी हैं। पूजनीय मूर्ति मंदिर में होगी और दर्शनीय मूर्ति अलग होगी। यूपी के सीएम ने ये बात अपने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन मीडिया से बात करते हुए कही। इससे पहले अपने दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन किए। वो हनुमानगढ़ी, दिगंबर अखाड़ा और सरयू घाट भी गए। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या के बारे में सकारात्मक सोच के साथ यहाँ की आध्यात्मिक गतिविधियों को सामने रख सकें, यही मंशा है। अयोध्या के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ बिना डके तार हटाकर उन्हें अंडरग्राउंड किया जा रहा है। स्वच्छता के लिए विशेष आग्रह किया गया है। विकास के सर्वे का काम अंतिम चरण में चल रहा है। योगी ने कहा कि यहां विधवा और अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनाने की योजना है। यह आश्रम माता कौशल्या के नाम पर होगा। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या हमारी 7 धार्मिक पवित्र नगरियों में से एक है। यह श्रद्धा का एक प्रमुख केंद्र है कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को हमें दुनिया के सामने रखना है। इससे बहुत अच्छा संदेश दुनिया को गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमने दक्षिण कोरिया को निमंत्रण दिया था। कोरिया की प्रथम महिला का अयोध्या आना हमारे लिए गौरव की बात है। हालांकि योगी ने कहा कि अयोध्या में विकास के लिए हम हर संभव कोशिश में लगे हैं। इन योजनाओं को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए हमने स्वयं निरीक्षण किया है। उन्होंने दावा किया कि हमारा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में अयोध्या दुनिया की बेहतरीन नगरी के रूप में स्थापित होगी। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो शेयर बाजार में दिवाली के मौके पर यानी कि आज शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग होगी और इस एक घंटे में अरबों रुपए का कारोबार होगा। दिवाली की शाम जब लोग त्योहार की तैयारी करते हैं उस वक्त निवेशक और शेयर बाजार के कारोबारी एक खास वक्त पर बाजार में पैसा लगाते हैं। इस दौरान मुनाफे और रकम निकालने की चिंता नहीं की जाती है बल्कि वर्षों पुरानी परंपरा को पूरा किया जाता है। इसी के साथ शुभ समय में निवेशक की परंपरा है मुहूर्त ट्रेडिंग और हर दिन हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले शेयर बाजार ने मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा को सहेज कर रखा है। दिवाली के दिन वैसे तो शेयर बाजार बंद रहता है लेकिन एक घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग होती है और इस दौरान निवेशक कुछ खरीदारी कर परंपरा को निभाते हैं। दिवाली के साथ नए साल की शुरुआत भी होती है और इस बार दिवाली के साथ संवत 2075 शुरू हो रहा है। भारतीय परंपरा के अनुसार देश के कई हिस्सों में दिवाली के साथ ही नए वित्त वर्ष की शुरुआत भी होती है, इसीलिए मुहूर्त ट्रेडिंग की जाती है। इसके जरिए निवेशक नए फाइनेंशियल्स ईयर के अच्छे रहने की कामना भी करते हैं। रोशनी का पर्व दीपावली आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। ऐसे में आज घरों से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गणेश लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ सजावट होती है। सजावट में सबसे खास जो सजावट रेंज बिताएंगे इसके साथ आप बता दें कि झालर और
फूलों से सजाया जाता है। ऐसे में वाराणसी के फूल मंडी में आज सुबह से ही माला फूल की खरीदारी के साथ साथ मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वाराणसी में दीपोत्सव की धूम भी देखने को मिली, फूलों से पूरा मार्केट सजा हुआ मिला। दिवाली की वजह से तो चार दिन तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, फूल की डिमांड भी ज़्यादा होती है। हर व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई पूजा करता है तो पूजा में माला की तो आवश्यकता होनी है। दूसरा, आज बनारस की भीड़ ज़्यादा है, इसके पहले चार दिन में जितने माला गए थे वो सात राज्यों में गए हैं। इस बार माला के रेट में क्या कम है? इस बार माला हर साल से माला ज़्यादा भी है और रेट भी कम है। टोटल अगर की बात करें तो पिछले पाँच दिन में हम समझते हैं कम से कम नहीं तो 2-3 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ ही है। बाजार अच्छा चल रहा है? बाजार ठीक था, बढ़िया था। बाजार माला पूरा भरपूर बिका है, ले जाने वाले भरपूर लेके गए हैं। जाहिर सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई के रूल अप्लीकेबल है। सप्लाई पूरी थी, डिमांड भी पर्याप्त था, माला बिका भी। दीपावली मार्केट तो थोड़ा मतलब जो है पिछली दीपावली के आधार पर देखा जाए तो थोड़ा डाउन है मार्केट, थोड़ा डाउन है और इसका इफेक्ट भी थोड़ा मोड़ा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एकदम से नहीं है, लेकिन जो है थोड़ा मोड़ा मार्केट पे इफेक्ट जरूर पड़ा है। दिवाली की वजह से तो चार दिन तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, फूल की डिमांड। दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सुक ने बुधवार को ताजमहल का दीदार किया। वे सुबह करीब 11:15 बजे विशेष विमान से एयरफोर्स स्टेशन पर उतरी। उनकी अगवानी प्रदेश के पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की। इसके बाद वे सीधे ताजमहल देखने चली गई। वहां उन्होंने करीब 1.5 घंटा बिताया। इस दौरान वे काफी देर तक ताजमहल को निहारती रही। उन्होंने ताजमहल को तारीफ की और साथ ही उन्होंने काफी वक्त अपना वहां पर बताया। गाजियाबाद के विजयनगर में दिवाली से ठीक एक रात पहले गंभीर हादसा हुआ है। 17 साल का बच्चा हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि 17 साल का यह किशोर इमाम दस्ते में गंधक पोटाश की कुटाई कर रहा था और उसी दौरान धमाका हो गया। लड़का पूरी तरह से झुलस गया है। गंधक पोटाश एक तरह का कीटनाशक होता है और इसी के साथ दिवाली पर लगातार इस तरह के हादसे होते आए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद आज एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। जिस तरह से मशीन बनाकर बम फोड़ने का तरीका निकाला जा रहा था, यह काफी पुराना था और इस पर कई बार गाजियाबाद प्रशासन ने नकेल कसी है, लेकिन चोरी चुपके बनाने वाले ये ब्लास्ट जो पटाखे होते हैं इसके कारण ब्लास्ट भी होते हैं और फिर ऐसा ही हादसा हुआ है। बहरहाल एक बच्चा, फिर गाजियाबाद प्रशासन की भी लापरवाही यहां पर सामने आई है। जिस तरीके से बच्चा घायल हुआ है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पटाखे तैयार करते वक्त हादसा हुआ। 17 साल का किशोर झुलस गया। छोटा बच्चा 11 से 12 साल का इमाम रस्ते में गंधक पटाख रख के फूट रहा था, जिससे कि वो ब्लास्ट हो गया और वो बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। गंधक पटाख कहाँ से लाया था वो? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मुस्लिम समाज के लोग एकता और आपसी भाईचारे की मिसाल बने हुए हैं। दीपावली के त्योहार पर होने वाली पूजा से जुड़े सामानों की बिक्री करके वे ये साबित कर रहे हैं कि धर्म चाहे कोई हो और समाज कोई, मगर हर माहौल में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के तीज त्योहारों में बराबर शरीक रहते हैं। भी फूल बेच रहे हैं और त्यौहार को बढ़ चढ़ कर मना रहे हैं। सब मिलजुल कर यहाँ कोई भी त्यौहार हो उसको इकट्ठे होकर मनाया जाता है। अशोक कुमार शर्मा, मैं यहाँ दुकान करता हूँ
और ये जो है बेचारा जो मुसलमान है जो है ये हर साल जहाँ पर फूल बेचता है और कोई भी त्यौहार हो हर त्यौहार में जहाँ पर ये फूल बेचता है बेचारा और ये एक हमारा भाईचारा का ये। तो छत्तीसगढ़ जगदलपुर नगरनार पुलिस ने चेकिंग के दौरान सफेद रंग की कार से 35 किलो गांजा के साथ दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिलने पर नगरनार पुलिस हरकत में आई और राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर आने जाने वाली वाहनों की चेकिंग के दौरान सफेद रंग की कार की तलाशी की। पुलिस ने कार की डिग्गी से गुप्त रूप से बने चैम्बर से दो बोरी गांजा जब्त किया है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान उन्होंने उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जा रहे गांजे की कुल कीमत 1.5 लाख रुपए बताई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। तो साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह की दूसरी दिवाली भी सुनारिया जेल में ही बीतेगी। गुरमीत राम रहीम सिंह के वकील एसके गर नरवाना का कहना है कि गुरमीत राम रहीम जेल में स्वास्थ्य है और जेल प्रशासन जो काम उन्हें देता है वो करते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पहले की तरह ही गुरमीत राम रहीम सिंह के साथ उनके फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने गुरमीत राम रहीम सिंह के वकील एसके गर्ग से। शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह की दूसरी दिवाली भी जेल में बीतेगी। इस समय मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एसके गर नरवाना। इनसे जानते हैं कि वो राम रहीम सिंह को मिलकर आए हैं, उनकी स्थिति क्या है। देखिए, मैं तो उनको कई 2-3 महीने हो गए वहाँ जेल में गया था मिलने, मिला था उनसे, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और एज यूजुअल जैसे के वो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व भी हैं और संत के अलावा, और स्वस्थ थे वहाँ पर, बिल्कुल ठीक ठाक थे। नरवाना जी, जिस तरह से राम रहीम के खिलाफ दो मर्डर के केस चल रहे हैं उसमें क्या एविडेंस सामने निकल कर आई है। देखिए, जहाँ तक एविडेंस की बात है, एविडेंस तो उस केस में भी कोई संत जी के खिलाफ मटेरियल एविडेंस नहीं है, दोनों केसेस में, मर्डर केसेस में, और उनको केवल कॉन्स्पिरेसी के उसमें उन्होंने इम्प्लीकेट किया है और वो कॉन्स्पिरेसी की भी कोई एविडेंस नहीं है। अभी केसेस पेंडिंग हैं, देखते हैं कोर्ट और जो भी उसमें होगा वो तो बाद की बात है, बट बड़े अच्छे होपफुल हैं कि भी शायद उनमें उनका पक्ष, क्योंकि बहुत अच्छा है संत जी का और बरी होने की बहुत उम्मीद है। नरवाना जी, आपने रेप के मामले में भी अपील दायर की हुई है, वो क्या स्थिति है इस समय। ये अपील जो हमने उसमें फाइल की हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो अपील अभी एडमिट है और जब भी कोर्ट उसको लिस्ट में लेके आएगी तब उस पर बहस की जाएगी। नरवाना जी, जिस तरह आपने कहा कि आप मिले हो राम रहीम सिंह को, तो उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या दिनचर्या रहती है। नहीं, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ जो भी उनको काम मतलब उनका करते हैं वो जेल में, और बिल्कुल स्वस्थ है और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि पहले वो दुनिया से डिटैच थे और अब भी उनके माइंड पे इन बातों का कोई असर नहीं होता। नरवाना, जिस तरह फॉलोअर पहले जुड़े हुए थे, पहले से कुछ फर्क है या अभी भी वैसे ही जुड़े हुए हैं उनके साथ। मेरी जानकारी के मुताबिक उनके फ्लोर एज इट इज ही हैं, कोई फ्लोर उनसे अलग नहीं हुआ, क्योंकि सबको ये विश्वास है कि उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो सच्चाई बेस्ड नहीं है, तो इसलिए कोई ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उनके जो फ्लोर्स हैं उनके साथ हैं हम। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसके गर नरवाना। इन्होंने कहा है कि वो राम रहीम सिंह के मिलकर आए थे और उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनकी दिनचर्या सामान्य है। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि उनके फॉलोअर अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।
तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली के नई सड़क पर कपड़ों की दुकान में आग लग गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से दीपावली का पर्व चल रहा है और उसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि नई सड़क पर कपड़ों की दुकान में आग लगी है। हालांकि अभी तक कितने रुपयों का यहां पर नुकसान हुआ है इसकी जानकारी ये नहीं पता चल पा रही है। तो कपड़ों की दुकान में आग लगी है, इसके साथ ही आग के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से आज दिवाली का पर्व है, हर जगह खुशियों का माहौल है, उसी बीच उस तरीके की खबर आई है कि कपड़ों की दुकान में आग लग गई है। नई सड़क पर ये भीषण आग लगी है और कितने का नुकसान यहाँ पर हुआ है अभी ये नहीं पता चल पा रहा है और साथ ही साथ आग के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, नई सड़क पर कपड़ों की दुकान में आग लग गई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संजय मासा जुड़ चुके हैं। संजय, नई सड़क पर कपड़ों की दुकान में आग लगी है, कैसे ये आग लगी है और क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, तकरीबन 5 गाड़ियां दमकल की पहुंची हुई है। नई सड़क स्थित कटरा अनूप सिंह, ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर ये कपड़े की दुकान है, पूरे कपड़े की मार्केट है। पहले एक दुकान में आग लगी, उसके बाद लगातार ये आग फैल गई है। करीब 4 से 5 दुकानों में ये बताया जा रहा है कि आग लग चुकी है, क्योंकि काफी कंजेस्टेड इलाका है, काफी ये सकरा इलाका है और इसकी वजह से जो है दमकल कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आज दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन जिस तरह से आग लगी है, क्योंकि व्यापारी यहाँ पर पूजा करके जाता था, शायद हो सकता है कि पूजा करके जलते हुए दिए की वजह से ये आग लगी। फिलहाल हो सकता, क्योंकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी दमकल के जो कर्मचारी है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी सकरा इलाका है, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा है, लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है। आसपास का रिहायशी भी इलाका है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर जो आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी जी संजय, बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।